असला इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनेस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का ये ट्वेल्थ लेक्चर है uh, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से पढ़ने की पूरी की होगी इस ट्वेल्थ लेक्चर में इट्स लिंक्ड विद वॉट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन दलेवंथ लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की थी हमने अलेवंथ लेक्चर में आज हम इस चीज को ज्यादा तफसील में लेकर जाएंगे Uh, जैसे आपने देखा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल में जो प्रोविजंस दिए थे थ्री ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट के उनमें से मैंने आपको इन माई कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई हैड मेंशन दैट वेदर इट इज जुडिशरी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑल थ्री आर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस एंड फॉर द स्टडी ऑफ ईच ब्रांच ऑफ दिस गवर्नमेंट वन नीड्स टू वन नीड्स टू गो इन ए ग्रेटर डिटेल फॉर ईच ब्रांच ऑफ द सब्जेक्ट दैट वॉन्ट्स टू स्टडी हमारा फोकस आज जो है वो स्ट्रक्चर पर है और आ, आज हम इस लेक्चर में वो जो मजीद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं फर्दर उनको हम देखेंगे तो इस लेक्चर में हम जो चीजें देख रहे हैं आपके सामने आउटलाइन है स्ट्रक्चर ऑफ द गवमेंट है जिसको हम देखेंगे फिर दूसरी चीज है रूल्स ऑफ द बिजनेस और रूल्स ऑफ द बिजनेस का मैंने अपने वन ऑफ द अर्लियर लेक्चर जो है उसमें किया था आज रूल्स ऑफ बिजनेस को जरा हम ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ये डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट uh, की फंक्शनिंग को इसके अलावा हम देखेंगे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो क्या है मिनिस्ट्री किसको कहते हैं डिवीजन क्या है और फंक्शंस क्या है बहुत सी हैं मिनिस्ट्रीज और डिविजन गवर्नमेंट की लेकिन हम आज जो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन देखेंगे एक को हम पिक करेंगे और उसको हम ज्यादा तफसील में देखेंगे मोर और लेस हर मिनिस्ट्री और डिवीजन की जो फंक्शनिंग है वो आ, उसी तरह से होती है बट इट इज डिवाइडेड ऑन द स्पेशलाइज्ड रिस्पांसिबिलिटी दैट ईच मिनिस्ट्री हैज नाउ लेस्ट रिव्यू हमने ये बात पिछले लेक्चर में कही थी कि कैबिनेट क्या है आर्टिकल 91 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन explains what the cabinet is. repeat just for you to memorize it and it should be reinforced further in your mind what the cabinet is. The cabinet really comprises of the ministers and the prime minister heads it right So uh, the head of uh, the, the chairperson person of the cabinet is the prime minister. they all this whole cabinet which becomes an advisory body, इट एड एंड एडवाइज द प्रेजिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन सो कैबिनेट का काम है कि वो हेल्प करे प्रेजिडेंट को इन एडवाइजरी कैपेसिटी अब एग्जेक्टिव अथॉरिटी अगेन ये पिछले लेक्चर में भी हमने इसका जिक्र किया था हम इसको री एनफोर्स इसलिए कर रहे हैं की अब हमारा ज्यादा फोकस जो है वो एग्जेक्यूटिव अथॉरिटी पे है एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है फेडरेशन एज यू नो इट वेस्ट इन द प्रेजिडेंट सो ही इज द वन

एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है कि उसके कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो अहम हैं ये तमाम इंस्टीट्यूशन जिनका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया कि नेशनल असेंबली है और फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं फोर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और सेनेट है जो कि एक ये तीनों लॉ मेकिंग बॉडीज हैं और लैजस्लेचर हैं और इस ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है, है इस चीज को डिस्क्राइब करती है एक्सप्लेन करती है कि के assemblies जो हैं, वो कैसे फॉर्म होंगी? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मजीद तफसील में देखें तो ये बात भी इसमें वजाहत आती है कि इन लॉ मेकिंग बॉडीज के जो मेम्बरान हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यानी वो लोग जो हमारे लिए फैसले कर रहे हैं और जिनको हम चुनते हैं अपने लिए फैसला करने के लिए उनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो बेसिस पर यह भी बड़ी डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो आपके सामने नजर आ रही है वो यूं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे सामने और हमारे सामने नेशनल असेंबली है और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं थ्री लॉ मेकिंग बॉडीज दैट द गवर्नमेंट हैज दैट्स ए बिग स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट एट द टॉप एट द नेशनल लेवल एंड एट द प्रोविंशियल लेवल अब दूसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें लॉ मेकिंग बॉडीज के बारे में बता रही है वहां पे हमें तीन ब्रांचेस के बारे में बता रही है सो so, तीनों ब्रांचेस का जो रिलेशनशिप है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो यूं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करती है कि ये तीन बॉडीज क्या होंगी और इन तीन बॉडीज की स्ट्रक्चर क्या होगी सो so, ये भी तमाम चीजें हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन से इमर्ज हो रही है जो लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे वो कौन होंगे उनको हम कैसे इलेक्ट करेंगे वो हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे असेंबलीज में और इसके अलावा कानून साजी के बाद अगर कानून से किसी को इतफाक नहीं है तो उसको ये हक हासिल है कि वो उस कानून को ले जाए कोर्ट्स में यानी जुडिशरी के पास अब जुडिशरी का क्या काम है जुडिशरी का काम है कि वो जो कानून या तो लोगों की समझ में नहीं आया ये सवाल उठ सकता है लिहाजा वो उसको इंटरप्रेट करे और वो उस कानून के बारे में एक फैसला दे कि असल में इस कानून की इंटरप्रटेशन कीपिंग इन व्यू द एक्ट दैट वॉज पासड द दबली एंड कीपिंग इन व्यू दल्चरल कंडीशन तो इस लॉ की ये इंटरप्रटेशन है कोर्ट्स so, के पास जाएंगे फिर आपके पास आ जाती एग्जीक्यूटिव ब्रांच और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच वो है जो कानून को इंटरप्रेट किया है कोर्ट ने उसको नाफिज करे अब तमाम जो हमने सर्विस स्ट्रक्चर की बात की थी पिछले से पिछले लेक्चर में यानी टेंथ लेक्चर में कि कौन सी डिफरेंट सर्विसेज है और हमने uh, उस विद इन दैस सर्विस हमने इस चीज की बात की थी कि उसके अंदर सर्विस स्ट्रक्चर क्या है और उनके अंदर क्या हैरार है तो हमने इन तमाम चीजों को वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आती हैं और हमारा अब जो आगे चल के तमाम तरफ फोकस है वो होगा ऑन दिस साइड ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द एग्जीक्यूटिव और द एडमिनिस्ट्रेटिव और द मैनेजमेंट साइड ऑफ द गवर्नमेंट और इसके ऊपर हम ये देखेंगे इसी से रिलेटेड जिन मैनेजमेंट के असूलों की प्रिंसिपल्स की बात हम अपने अर्लियर लेक्चर्स में कर चुके हैं उनको हम देखेंगे कि ये किस तरह से अप्लाई करते हैं एग्जेक्यटिव ब्रांच में और फिर ये भी हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच की फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रूल्स ऑफ बिजनेस दिया है और ये भी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से इनकी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं अब हमारे सामने है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ यू सी देर आर थ्री बॉक्सेस एंड वी हैव प्लेस्ड देम इन ए हेराकी वे द टॉप बॉक्स इज दैट ऑफ द प्रेजिडेंट हेड ऑफ द स्टेट सो ही इज द यूनिटी ऑफ द फेडरेशन जो दूसरा बॉक्स हमें नजर आ रहा है प्रेजिडेंट के uh, नीचे वो है प्राइम मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है चीफ एग्जीक्यूटिव यानी उसकी जिम्मेदारी है कि जो असेंबली कानून बनाती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो वो प्राइम मिनिस्टर की होती है अच्छा आप देखें कि जो हा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट होता है ही इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली राइट और नेशनल असेंबली में जो आ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी यहां पे कि नेशनल असेंबली में जो विनिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है यानी लेट्स से कि दो पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और हमने देखा था कि थ्री फोर्टी टू मेंबर्स हैं जिसके पास मेजोरिटी मेंबर्स होंगे वो अपना एक नॉमिनेट करेगी कैंडिडेट हु शैल बी द कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड दैट कैंडिडेट देन हैज टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली यानी कॉन्फिडेंस वोट होता है विद इन द नेशनल असेंबली वोटिंग होती है और जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फिर ऑपजिशन भी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और आमतौर पर यह होता है कि जो विनिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसके कैंडिडेट को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है यानी एतमाद का वोट मिलता है यानी उसको मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं अमंगस्ट दो थ्री फोर्टी टू मेम्बर्स एंड दैट पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सो ही इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर आप देखें कि यहां पर वो लेजिसलेचर uh, का हिस्सा भी है इसलिए कि वो असम्बली uh, का मेंबर होता है और वो फिर एग्जेक्यूटिव का हेड होता है अब जिन मिनिस्टर्स को वो हेड करता है जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा कि कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं और ये मिनिस्टर्स भी लेजिसलेचर का हिस्सा होते हैं यानी ये कानून साजी भी कर रहे हैं और वो मिनिस्ट्रीज जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है लॉ उसको हेड भी कर रहे हैं सो एक ये सूरत हाल है ठीक है दूसरी चीज ये है कि कैबिनेट बनती है कैबिनेट यह है कि गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और इनकी तादाद जो है वो वेरी करती रहती है चेंज होती रहती है ठीक है कुछ गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि कैबिनेट जो है वो छोटा हो लीन स्मॉल कैबिनेट राइट सो वो मिनिस्ट्रीज कम रखती हैं कुछ गवर्नमेंट समझती हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है वो ज्यादा होती जा रही है लिहाजा ज्यादा मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए तो आज जो हमारे आ, है, ये जो मिनिस्ट्रीज हैं वो तकरीबन थर्टी नाइन के करीब मिनिस्ट्रीज हैं और कैबिनेट जो है वो थर्टी नाइन मिनिस्टर्स का है एंड इट इज हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव दैट इज द प्राइम मिनिस्टर नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट दैट वी हैव सीन दिस स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट एट द टॉप नाउ विल सी द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड एज आई सेड The rules of the business are really important because they really determine how the government will function. If you rules of business, ko you say kabhi kisi stage of life, in ki, what stage you have to say, I suggest that you rules of business because it is too early at this point in time. But we would only need the uh, excerpts that tell us from where these rules of business have come. सो रूल्स ऑफ बिजनेस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाइन्टी और नाइन्टी नाइन आर्टिकल देखें तो इट स्टेट दैट द रूल्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी फार्मूलेटेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द गवमेंट यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए बिजनेस रूल्स ऑफ बिजनेस का होना बहुत जरूरी है बिजनेस से क्या मतलब है नाउ बिजनेस जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में डिफाइंड है इट से इट इज ऑल द वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट नाउ फेडरल गवर्नमेंट से क्या मुराद है फेडरल गवर्नमेंट से मुराद है मिनिस्ट्रीज डिवीजनस एंड अटैच डिपार्टमेंट्स इनका जिक्र आपसे किया था कि मिनिस्ट्रीज और डिवीजन और अटैच डिपार्टमेंट क्या होते हैं और अटोनमस बॉडीज क्या होती हैं अगेन ये एक हरार की है इनकी डिफरेंट जो है वो आ, फंक्शनस हैं और जिस तरह से इनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इनको कॉन्स्टिट्यूट करने का तरीका भी मुख्तलिफ है सो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट कम्प्राइजेज ऑफ मिनिस्ट्रीज डिविजन्स अटैच डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज एंड बिजनेस इज द वर्क डन बाय ऑल द वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट सो ये रूल्स ऑफ बिजनेस बनाना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को चलाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी हैं लेकिन जिस तरह से रूल्स ऑफ बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के हैं बिल्कुल रूल्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नाउ सी दैट द रूल्स ऑफ द बिजनेस फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसी वही स्ट्रक्चर है जैसे मैंने पहले कहा था कि वही स्ट्रक्चर है जो फेडरल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है वही मोरलेस प्रोविन्शल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है अगर रूल्स ऑफ बिजनेस फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हैं और वो डिटर्मिन करते हैं प्रोविंशियल लेवल पे कि गवर्नमेंट का बिजनेस या काम जो है वो किस तरह से चलेगा अब हम देखते हैं मैंने इस स्लाइड में चंद अहम मिनिस्ट्रीज ली हैं जो तादाद है फेडरल मिनिस्ट्रीज की वो मैंने कहा थर्टी के करीब है मैंने आपके सामने जो स्लाइड में मिनिस्ट्रीज दी है उनकी तादाद नौ है ये नौ मिनिस्ट्रीज इस बेसिस पे सिलेक्ट की गई हैं कि गवर्नमेंट की जो अहम कुछ इसमें ट्रेडिशनल जिम्मेदारियां जिनका हम अक्सर जिक्र करते आए हैं कि कुछ कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देर आर सर्टन कन्वेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड देर आर सर्टन मॉडर्न रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट

दूसरी जो हम मिनिस्ट्री देख रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है राइट right? जिसका ताल्लुक तजारत से और इन्वेस्टमेंट से इस तरह की चीजों से मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट या तजारत है जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं या जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनके जो सारे उससे जो कारोबार है वो ये मिनिस्ट्री जो है संभालती है तीसरी जो है मिनिस्ट्री जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अब ये ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं है गवर्नमेंट का ये एक ऐसा फंक्शन है जो गवर्नमेंट ने अब इस दौर में लिया है यानि ये पहले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो इन चीजों को एक ऑर्गेनाइज तरीके में से किसी एक अहम अदारे को यह जिम्मेदारी सौंपे कि वो इन चीजों को ऑर्गेनाइज करे तो मॉडर्न गवमेंट ने यह समझा कि यह चीज़ जरूरी दे, देर फोर दे हैव गिवन दिस रिस्पांसिबिलिटी टू ए मिनिस्ट्री चौथी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अगरचे ट्रडिशनल गवर्नमेंट्स भी कम्युनिकेशन रोड नेटवर्क को बहुत अहम समझती थी आजकल के जमाने में भी कम्युनिकेशन की बड़ी अहमियत है तो ये एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेषन जो uh, uh, मुल्क के तमाम uh, जो रोड नेटवर्क है uh, उसकी जिम्मेदारी जो है कि कहाँ पर नए रोड्स बनने चाहिए एग्जिस्टिंग रोड जो हैं हाईवे जो हैं इंटर प्रोविंशियल रोड जो हैं और इन तमाम की जिम्मेदारी इस मिनिस्ट्री के पास है फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वो मिनिस्ट्री है जो उन तमाम अदारों को मैनेज करती है या लो काफ्ट करती है जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं मैन्यूफेक्चर करते हैं राइट तो हमारे मुल्क में एक सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करते हैं छठी मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू है ये मिनिस्ट्री जैसे आपको पता है ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न गवर्नमेंट भी इसको अहम समझती है फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज ए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट लेकिन गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज होते हैं वो एक और तरीके से आते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर के रेवेन्यूज हैं उनका जो मोड ऑफ इनकम है दैट इज डिफरेंट फिर आजकल के जमाने में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की भी अहमियत है और इसके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री है फिर हम आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की आप पूछेंगे कि क्या जरूरत है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो मिनिस्ट्री है जो कि अंदरून मुल्क अमनो अमान कायम रखना और वह तमाम एजेंसीज जो अमन वमान कायम रखती हैं उनकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर है फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स है ये हाउसिंग एंड वर्क्स ज्यादातर इसका काम जिस चीज से रिलेटेड uh, है वो काम है गवर्नमेंट uh, की जो uh, इमारतें हैं मेनली जो गवर्नमेंट ने हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है टू इट्स एम्प्लॉज उसकी मैनेजमेंट या गवर्नमेंट की कोई नई इमारतें जो बनती हैं उनकी मेंटेनेंस वगैरह जो है बनती हैं या बन चुकी हैं जो एग्जिस्टिंग हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है सो so, जिस तरह से फेडरल लेवल पर एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है उसी तरह से हम देखते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे भी है मोर और लेस प्रोविंशियल लेवल पे भी ये इसी तरह के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं राइट right? सो so, हमने सिर्फ इसमें जो अहम चंद एक अहम थी उनको हमने मिनिस्ट्रीज को पिक किया जस्ट टू शो यू एलस्ट्रेट टू यू दैट दिस इज हाउ द गवेंट वट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर एट द फेडरल लेवल अब स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री क्या है मिनिस्ट्री के यकीन आपके जहन में ये सवाल आएगा कि मिनिस्ट्री जो है वो क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है अ डेफिनेशन है मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री इज ए डिविजन और ए ग्रुप ऑफ डिविजन यानी एक मिनिस्ट्री के नीचे एक डिवीजन भी हो सकता है और एक से ज्यादा डिवीजन भी हो सकता है अब हम मिसाल लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की यानी हमने एक मिनिस्ट्री को पिक किया है इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि इस मिनिस्ट्री के नीचे कौन से डिवीजन हैं और फिर इसकी बड़ी तफसील से हम पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे और जिस तरह से इस मिनिस्ट्री की स्ट्रक्चर है इसी तरह से बाकी मिनिस्ट्रीज की भी स्ट्रक्चर है लेकिन वेरी करता है कुछ मिनिस्ट्रीज के नीचे डिविजन्स जो हैं, वो एक होते हैं कुछ के नीचे एक से ज्यादा होते हैं सो so, हर डिविजन की फिर आगे फर्दर स्ट्रक्चर होती है अब ये हम देख रहे हैं कि हमारे सामने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है अब आपको ये तो मालूम ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मालूम नहीं भी है तो कुछ नाम से आपको यूं महसूस हो रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है तो यकीन इसका काम कुछ इनकम uh, से रिलेटेड है फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट जो है अब हमें इसके नीचे कितने डिविजन नजर आ रहे हैं इसके नीचे ऑफकोर्स फाइनेंस डिवीजन है फाइनेंस डिवीजन के बाद इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है यानी अब हम आगे बताएंगे कि इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन क्या होता है फिर इसके बाद इसमें है स्टेटिस्टिक्स डिवीजन और जैसे कि आपको पता है स्टेटिस्टिक्स जो वर्ड इन इट सेल्फ है ये स्टेट से निकला है यानी द वर्ड स्टेटिस्टिक्स इज फ्रॉम स्टेट द फिगर्स द नंबर्स दैट द स्टेट रिक्वायर फॉर इट्स प्लानिंग फॉर इट्स पॉलिसी मेकिंग सो इसकी जिम्मेदारी इस डिवीजन की है कि वो तमाम आदाद व शुमार जमा करे ख्वाब हाउस होल्ड से रिलेटेड हों या बिजनेस से रिलेटेड हो एंटरप्राइज से रिलेटेड हो मैन्युफैक्चरिंग फर्म से हाउस होल्ड एक्टिविटी इनकम एक्सपेंडिचर तमाम स्टेटिस्टिक्स जो है ये इस डिवीज़न की जिम्मेदारी है और आपको ये तो पता ही है कि पॉपुलेशन सेंसस होता है हर 10 साल के बाद एक पॉपुलेशन सेंसस होता है और पॉपुलेशन सेंसस जो है वो आदादोशुमार हैं जो ये डिटर्मिन करते हैं कि पिछले दस सालों में आबादी कितनी बढ़ी ये एक बहुत अहम आदाद और शुमार है जो गवर्नमेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है सो स्टेटिस्टिक डिवीजन की ये जिम्मेदारी इसके भी बेशुमार डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीजों के बारे में आदाद और शुमार जमा करते हैं फिर आप देखें कि रेवेन्यू डिवीजन है अब रेवेन्यू डिवीजन जो है ये वो महकमा है या वो डिवीजन है जहां पर जो जिसका काम है टैक्सेस को जमा करना सो so, ये रेवेन्यू डिवीजन इस मिनिस्ट्री के तहत यानी मिनिस्टर एक है लेकिन इसके चार डिवीजन हैं। अब फंक्शन ऑफ डिवीजन क्या है अगर आप रूल्स ऑफ बिजनेस को देखें डॉक्यूमेंट को देखें तो उसमें हर मिनिस्ट्री और हर डिवीजन की फंक्शन अलहदा अलहदा बड़ी डिटेल में दी हुई है इस मौके पे तो आपको इतनी डिटेल नहीं दी जा सकती लेकिन समझने के लिए और आपको इस स्टेज पे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है लेकिन इतना ही समझ लेना जरूरी है कि वो फंक्शंस क्या हैं। हमने चंद अहम फंक्शंस, चंद अहम तमाम फंक्शंस नहीं हैं, लेकिन चंद अहम फंक्शंस फाइनेंस डिविजन की ली हैं तो फाइनेंस डिवीजन की पहली अहम फंक्शन क्या है इट इज द फाइनेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल मैटर्स इफेक्टिंग द होल ऑफ द कंट्री जो फेडरल गवर्नमेंट है जितने भी उसके अदारे प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहे हैं वो उनको उन अदारों को ग्रांट इनड कुछ फाइनेंस देती है राइट सैलरीज ऑफ दी एम्प्लॉज आर प्रोवाइडेड बाय द बाय द गवर्नमेंट सो जो या कुछ डिवेलपमेंट काम हो रहे होते हैं और कुछ ऐसे काम है जो नॉन डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट से मुराद है जो नई स्कीमें है राइट और नॉन डेवलपमेंट जो जो चल रही जो स्टेब्लिशमेंट को रन करने के लिए इसकी मिसाल आप यू ले सकते हैं कि, कि किसी भी हाउसहोल्ड अगर आप हाउसहोल्ड की मिसाल से गवर्नमेंट की मिसाल लें तो बहुत ही आ, आसान होगी समझना यानी किसी भी हाउस को रन करने के लिए डे टू डे एक्सपेंडिचर्स चाहिए है डे टू डे एक्सपेंडिचर्स में बेसिक एक्सपेंडिचर है फूड का क्लोदिंग का और शेल्टर का राइट सो ये तो हर सूरत चाहिए है वेदर सम्बडडी इज वर्किंग और समबडडी इज नॉट वर्किंग सो दीज एक्सपेंडिचर हैव टू बी मेट नाउ इन गवर्नमेंट द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव टू फंक्शन दे हैव टू गिव सर्विसेज टू द पीपल बट इट हैज टू मेंटेन ए सर्टन नंबर ऑफ इम्प्लॉयज एंड दीज एम्प्लॉयज हैव टू बी पेड नेचुरली दे ऑल्सो विल बी हाउस्ड इन एन ऑफिस राइट वो जो लोग एम्प्लॉज काम कर रहे हैं वो किसी न किसी बिल्डिंग uh, में होंगे अब उस बिल्डिंग में बिजली भी है पानी गैस इन चीजों की सबकी जरूरत है तो ये यूटिलिटीज जो है ये बिल्स भी पे करने तो ये हम इसको नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स यानी वो एक्सपेंडिचर्स जिनको करना जरूरी है इन ऑर्डर टू रन दर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट वो होंगे कि अगर किसी अदारे ने नई कोई स्कीम शुरू की है तो वो उसके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे सो फेडरल गवर्नमेंट ऑल दी फाइनेंशियल मैटर्स दैट परटेन टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी गवर्नमेंट दैट इज व्हाट द फाइनेंस डिवीज़न इज डूइंग। इवन समी ऑटोनस बॉडीज दे आर गिवन सर्टन ग्रांट दे ने बनाती है हर, हर अदारा अपना बजट बनाता है फेडरल गवर्नमेंट का अदारा जो प्रोविंशल ऑफिस में काम कर रहा है प्रोविंशियल यानी उसका प्रोविंशल ऑफिस है तो उसको जो फाइनेंसेज है वो फेडरल गवर्नमेंट से मिलती है दूसरी अहम चीज जो है जो गवर्नमेंट बनाती है वो है एनुअल बजट स्टेटमेंट ना एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है ये एक अगेन डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट हर साल प्रोड्यूस करती है हर साल आपको पता है बजट बनता है और प्रेजेंट होता है सो so, प्रेजेंट होता है असेंबली में लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये गवर्नमेंट का कौन सा इदारा बनाता है फाइनेंस फाइनेंस डिविजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंस डिविजन और ये डिटर्मिन करता है यही एनुअल बजट स्टेटमेंट भी बनाता है फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं बजट के यानी मिसाल के तौर पे अगर एक एनुअल बजट बना दिया है तो शायद किसी अदारे को जो बजट है उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो तो फिर वो दोबारा से सप्लीमेंट्री यानी एडिशनल पैसे की जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो फाइनेंस डिवीजन को भेजेगा तो फाइनेंस डिवीजन का ये फंक्शन है कि वो बजटिंग करे और बजटिंग करने के बाद ये है वो एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करे यानी ये फाइनेंस डिवीजन अलाउ नहीं करेगा कि आप जितना मर्जी खर्च करते चले जाए इट इट डिसाइड दैट हाउ मच इफ इट इज डिसाइडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द इयर दैन हाउ मच विल भी स्पेंड इट इज डिसाइडेड बाई द फाइनेंस डिवीजन एंड इट विल कीप कंट्रोल ऑन द पर्स इज इफ दैट इज वट द मनी इज एलोकेट एक्सेस विल नॉट बी गिवन अंटिल अनलेस इट इज जस्टिफाइड दैट एक्सेस मनी इज रिक्वायर्ड ड्यू टू सर्टन इकोनॉमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी अब फाइनेंस डिजन की तीसरी जो एक अहम फंक्शन में है वो ये डिसाइड करता है फाइनेंस डिविजन के मुख्तलफ जो सूबे हैं चार सूबे जो हैं उनको कितनी प्रोसीड मिलेंगी हमने जिक्र किया था नेशनल फाइनेंस कमीशन का नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो हमने ये बताया था कि डिसाइड करता है कि हर प्रोविंस को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी कितना एक्सपेंडिचर जो है मिलना चाहिए यानी अखराज पूरे करने के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए जब ये एक दफा फैसला कर लेता है नेशनल फाइनेंस कमीशन तो उसके बाद फाइनेंस डिवीजन की जिम्मेदारी होती है कि हर साल उस सूबे को उतने पैसे रिलीज करे जो कि जिसका फैसला हो गया सो so, ये भी एक जिम्मेदारी या मेन फंक्शंस ऑफ दी फाइनेंस डिवीजन है अब चौथी जो उसकी जिम्मेदारी है वो है पब्लिक डेट ऑफ फेडरेशन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक डेट क्या है यानी जब टैक्सेस से गवर्नमेंट अपने अखराज पूरे नहीं कर पाती तो उसको कुछ कर्ज लेना पड़ता है अब ये जो कर्ज है ये दो तरह का कर्ज होता है एक वो कर्ज है जो कि इंटरनली अपने बैंकिंग सेक्टर से हकूमत कर्ज लेती है आप इस बात पे हैरान हो रहे होंगे कि हुकूमत भी कर्ज लेती नहीं हुकूमत बहुत कर्ज लेती है और अपने जो बैंकिंग सिस्टम है उनसे भी कर्ज लेती है कर्ज भी लेती है कुछ अपने बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट करती है लेकिन हम सिर्फ यहां बात कर रहे हैं वो कर्ज की जो वो हकूमत इंटरनल सिस्टम से वसूल कर लेती है अब हकूमत से मुराद ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के बहुत से अदारे हैं जो कि कर्ज लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से राइट सो एक तो ये हो गया इंटरनल डेट Uh, or दूसरी चीज है एक्सटर्नल डेट एक्सटर्नल डेट जो है वो जो एक्सटर्नल बैंकिंग सिस्टम जो बाहर के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उनसे कर्ज लेते हैं तो वो भी या कोई ह, बाहर की और हकूमतें जो कर्ज देती हैं तो वो भी ये फाइनेंस डिवीज़न जो है उसको मैनेज करता है और इसका तयन करता है क्योंकि उसने बजट बनाना होता है फाइनेंस डिवीजन ने तो वो ये इस चीज़ का एस्टिमेट लगाता है कि हर साल कितना डेट इंटरनल पे करना है और कित एक्सटर्नल है और डेट पे करना है अखराजा निकालने हैं तो ये भी उसकी जिम्मेदारी है पांचवी जो फंक्शन है फाइनेंस डिविजन की वो दैट रिलेट्स टू करेंसी क्वनेज विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द गवर्नमेंट सो आप देखें कि दो अदारे हैं स्लाइड uh, पे आप देख रहे हैं प्रिंटिंग सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है और दूसरी है पाकिस्तान मिंट ये जो दो अदारे हैं इनकी जिम्मेदारी है कि वो नोट uh, छापें uh, और कॉइंस बनाएं नाउ दिस कम्स अंडर द फाइनेंस डिविजन एज वेल आपको ये तो मतलब हमने वन ऑफ द लेक्चर्स वी डिस्कस दैट अगेन दिस इज द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू मेनटेन इट्स मिन्ट्स एंड कॉइनेज ये हर एक जो है आम सिटीजन जो है ये काम नहीं कर सकता कि वो क्वाइंस बनाना शुरू कर दे या नोट बनाना शुरू कर देट बिकम्स इलीगल because well people do this thing, but that is illegal activity and you can be punished very badly for doing this. So this, these are special government organizations that uh, have this responsibility of printing notes and coinage and this function falls under the finance division. Sixth jo function is hai, hai regulatory function or uh, one point in time uh, in, a, in my lecture I talked about the regulatory function. रेगुलेटरी फंक्शन अगेन डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर की रेग्यूलेशन क्या है वी हैव द बैंकिंग सेक्टर वी हैव स्टॉक एक्सचेंज वी हैव अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुख्तफ किस्म के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगेन uh, ये बड़ा स्पेषलाइज्ड डिसिप्लिन है लेकिन इनकी रेग्यूलेशन गवर्नमेंट डायरेक्टली तो इसको कंट्रोल नहीं करती यानी डायरेक्टली इसमें इंटरवीन नहीं करती लेकिन ऐसे कानून साजी करती है कि ये अदारे जो फाइनेंशियल मैटर्स से डील करते हैं दे शुड नॉट क्रिएट एक्सेसिस ऑन दी पब्लिक सो so, इसकी कुछ रेगुलेट रेगुलेशन है इसको अंडर द लॉ दीज आर रेगुलेटेड एंड देयर फंक्शन आर डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड द रोल ऑफ द दिस फाइनेंस डिविजन इज टू रेगुलेट दैम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट यूज टू बी एट वन पॉइंट इन टाइम Uh, under the finance ministry but now it is uh, autonomous and uh, has its own board of governors and it uh, regulates uh, its function by itself but it does have a relationship with the ministry of finance now we will look at the uh, some of the main functions of the economic affairs division again this division falls under the uh, ministry of finance economic affairs division ki kya functions hain

फर्स्ट ऑफ ऑल दीज हैटेड राइट नगोशियटेड के पहले बातचीत की जाती है बातचीत इस पहलू से की जाती है कि अच्छा हमें कर्जा चाहिए या हमें ग्रांट एड चाहिए या हमें फॉरन असिस्टेंस चाहिए तो हमें किन चीजों के लिए चाहिए अब कुछ तो गवर्नमेंट ने जैसे कहा कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो डिसाइड करती है कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे डेवलपमेंट होनी चाहिए राइट right? तो ये जो अदायरा है ये जो डिवीजन है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ये आ, ये डिसाइड जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डिसीजन के तहत जो चीजें होती हैं उन पे निगोशिएट करता है कि हमें एजुकेशन में फॉर एग्जांपल चाहिए या हमने रोड्स बनाने हैं तो निगोशिएट करते हैं कि हमें इन एरियाज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए राइट सो एग्रीमेंट्स आर ड्राफ्टेड एंड दीज आर साइन बिटवीन गवेंट और डिफरेंट एजेंसी एंड दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स डिविजन दूसरी जिम्मेदारी जो इस डिविजन की है इट पर्टेन्स टू दैटर्स रिलेटिंग टू टेक्निकल असिस्टेंस टू फॉरेन कंट्रीज यानी जो हकूमत पाकिस्तान है वो न सिर्फ मदद लेती है बल्कि कुछ ममालिक को मदद देती भी है यानि टेक्नीकल असिस्टेंस जो है हमारे लोग Uh, दूसरे ममालिक में जाके अंडर द अग्रीमेंट बिटवीन द टू गवेंट्स डेट इट्स गोइंग टू प्रोवाइड टेक्नील असिस्टेंस इन दर प्रोजेक्ट्स और ये भी है कि और मुल्कों से लोग पढ़ने के लिए भी हमारे अदारों में आते हैं अंडर टेक्नीकल असिस्टेंस प्रोग्राम सो न सिर्फ ये कि हकूमत मदद लेती है बल्कि हकूमत मदद करती भी है और ममालिक थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो सकती है और मैन पावर असिस्टेंस भी हो सकती है सो अगेन दिस हेल्प इज प्रोवाइडेड थ्रू द इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन दैट इज अगेन द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन तीसरी फंक्शन जो है इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की वो है रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ इंटरनेशनल एंड रीजनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी यानी यह इस चीज का जायजा लेना कि इंटरनेशनल इंटरनेशनली क्या तब्दीली आ रही है इकोनॉमिक तब्दीली क्या आ रही है और ममालिक में और हमने उस तब्दीली को सामने रखते हुए अपने मुल्क में क्या तब्दीली लानी है तो आपके जहन में यह क्वेश्चन आएगा कि इसकी क्या जरूरत है ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड वी आर नॉट ओनली इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज बट वी आर आल्सो एक्सपोर्टिंग थिंग्स आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू दि अदर कंट्रीज सो वी हैव टू नो दैट वॉट इज द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट वॉट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अदर दैन वट वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग सो दैट वी मे चेंज दी आर ओन प्रोडक्ट लाइन सो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेंड्स में जो तबदीली आ रही होती है ये भी इस डिवीजन की जिम्मेदारी है अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे फाइनेंस डिविजन की वो क्या है जैसा आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंस डिविजन एंड वट वी सी इज द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ दो उसके एडवाइजर्स हैं राइट देर इज एन एडवाइजर ऑन द लेफ्ट एंड देर इज ए स्पेशल असिस्टेंट ये दोनों जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी इसके अलावा हमारे सामने जो और लोग हैं वो है सेक्रेटरी फाइनेंस एंड सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन यानी ये दो डिविजन्स जो इस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं इनके इसके बाद ये यानी जो डिविजन्स हैं वो सेपरेट एंटिटीज हैं वट वी कैन से इज़ दैट डिवीजन फंक्शन एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सेक्रेटरी है दैट सेक्रेटरी हेड्स द डिवीजन ही इज द फंक्शनल हेड ऑफ द डिवीजन राइट right? और फिर हम देखते हैं इस, इसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है सो दीज द द्री लेट्स से थ्री यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड थ्री ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच कम अंडर वन मिनिस्टर दैट इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नौ ये आप देखें कि ये तीनों यूनिट्स जो हैं अपना काम अलहदा अलहेदा स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं लेकिन इस स्पेशलाइज्ड काम के साथ साथ जो चीज करें वो आपस में कोऑर्डिनेट भी करें अब आप ये देखिए कि मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है राइट ही मे और ही मे नॉट बी ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट सो ही हैज टू प्रोवाइड ए ब्रॉड पॉलिसी गाइड ब्रॉड इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्सट बट द फाइनर डिटेल्स द स्पेशलाइज डिटेल्स आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द सिविल सर्वेंट्स सो जो सेक्रेटरी होता है Wo ek uski kind of a uh, he is an individual, he or she is an individual who is permanently uh, working in the government for a long period of time, right. Whereas the ministers may come and go, but the secretary is going to, to continue to work. Now, the person who is working as a secretary uh, in, let us say, the finance division uh, and perhaps in the economic affairs division may not have worked. Uh, in that division for a very long time. But he or she knows how the government functions. Right. So they are they may again they may or they may not be specialized people. For example, the person who is a finance secretary finance ki degree ho. Right. He may have some broad general administrative experience. Up now government ki more and more specialized logonko लाना चाहिए व्हाट वी आर सेइंग इज एट दिस पॉइंट इन टाइम दैट मिनिस्टर इज द इज द पॉलिटिकल हेड। ही इज देयर बिकॉज ही नोज व्हाट द पीपल डिमांड एंड द सेक्रेटरीज ऑफ द डिवीजन आर देयर बिकॉज दे आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स, दे नो हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, देयर फॉर दे हेल्प हिम इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एण्ड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट The minister knows what the people want, and the secretaries know how the work should be done. So this is how they come uh, uh, join together in their work to be to be able to formulate policies which are according to the aspirations of the people. Now, secretary finance. If we look further, dekhe, uh, again, we are now at the level. At level, mazid, uh, structure, hai, hierarchical structure, and that structure kya hai? जो आपके सेक्रेटरी के नीचे इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं इसका नॉमन क्लेचर जो है कि टाइटल ऑफ द जॉब कि ये इसको जॉइंट सेक्रेटरी बजट होना चाहिए ये दैट मे चेंज यू नो इफ सम पीपल से दैट इफ देर इज ए सेक्रेटरी फाइनेंस देन दैट पर्सन मे बी कॉल्ड असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी राइट ये नॉमन क्लेचर देना चाहिए लेकिन जो जनरल नॉमन क्लेचर में जो वर्ड यूज होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है सो सेक्रेटरी फाइनेंस के नीचे जो तीन लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं वो जेएस बजट है राइट जेएस फाइनेंस है और जेएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंडिचर है ये तीन हमें जेएस जो है नजर आ रहे हैं नाव बजट का जो जेएस है वन ऑफ द फंक्शंस हमने फाइनेंस डिविजन की देखी थी वो यही फंक्शंस थी कि बजट बनाना है वेन द जी एस बजट हैज टू मेक द बजट ऑफ द होल ऑफ ए कंट्री इमेजिन यू नो इट्स इट वुड बी स्ट्रक्चर ही बी मेकिंग इट लोन उसको असिस्ट करने वाले और हेल्प करने वाले बहुत से लोग होंगे क्योंकि गवर्नमेंट का बजट बनाने का एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे जब हम पब्लिक फाइनेंस की थोड़ी सी बात करेंगे इसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में तो फिर उस वक्त हम ये बात करेंगे यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है जीएस बजट का काम है कि वो एनुअल बजट जो बनता है और तमाम अदारों से जो वो बजट लेता है दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जीएस बजट फिर जीएस फाइनेंस जो है उसने ये देखना होता है कि फाइनेंस कहां से आएंगे रेवेन्यूज कहा से क्योंकि बजट के साथ जो बजट बना रहा है उसके साथ उसने कोऑर्डिनेट करना है और फिर जॉइंट सेक्रेटरी या जीएस एक्सपेंडिचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है दैट परटेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस डिविजन इन इट सेल्फ So, this is the structure within the finance division. Uh, now, we have the minister and we have uh, the secretary, right, and then we have uh, at least uh, there could be more, you know, three joint secretaries who again are doing very specialized work budget, finance, expenditure, and administration. So, each one, you know, the specialization is increasing yeah, within the organization of the finance division. अब इसके हम नीचे देख रहे हैं कि जो फाइनेंस डिवीजन है इसके नीचे कौन से अटैच डिपार्टमेंट्स हैं अटैच डिपार्टमेंट्स ऑफ द फाइनेंस डिवीजन। नाउ द अटैच डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस डिवीजन आर एज फॉलोज एज यू इट इन स्लाइड The first department of the finance, uh, attached department of the finance division is the finance division military. Now, finance division military is the department that exclusively looks after the finances of the military side. Uh, it does not take care of the finances of the civil side. So, it is a specialized, people are just working on the military finances the second uh, office is the office of the controller general of pakistan. the controller general of pakistan is an office that exists at the federal level uh, for all uh, federal uh, government organizations, whether they are at the, at the uh, federal level or working in the provinces. this, depart uh, this uh, particular attached department uh, looks after the uh, expenditure side of the uh, department.

तो और जिस मकसद के लिए दिए गए बिकॉज बजट जो है आ, किसी भी डिपार्टमेंट का वो आइटमाइज बजट होता है यानी हर आइटम का एक अलहदा एक्सपेंडिचर दिया हुआ होता है राइट तो उस ज, जिस आइटम के लिए जितना एक्सपेंडिचर दिया है उस वो उतना ही उस पर स्पेंड करना है सो कंट्रोलर जनरल का जो ऑफिस है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द एलोकेशन जो है वो किया जाए जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑडिटर जनरल जो है यानी ऑडिट की जो फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के अदारे अखराज करते हैं वो एक प्रस्क्राइबड रूल्स के तहत उनको करने चाहिए छोटी सी मिसाल यूं है कि अगर आप गवर्नमेंट के किसी अदारे ने मार्केट से कोई चीज परचेज करनी है लेट से फर्नीचर परचेज करना है तो एक स्टैंडर्ड तरीका उसका ये है कि उसके लिए तीन कोटेशंस होनी चाहिए राइट right? और लोएस्ट जो है वो आपने खरीदना है नाउ दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट नाउ वट दिस ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट इज डूइंग इज दैट एट द एंड ऑफ द ईयर दे सेंड देयर पीपल टू द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे हैं ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनमें इस ऑफिस के लोग जाते हैं और ये देखते हैं कि वो जो साल में एक्सपेंडिचर किया है वो तमाम रूल्स को जो ऑडिट के रूल्स हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया इन केस अगर नहीं किया तो वो फिर उसको क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया उसको एक्सप्लेन करें आप तो दफ़ा वजूहत होती हैं जिसकी बिना पर कुछ तरीके जो हैं वो फॉलो नहीं किए जा सकते तो वो अदारे की जिम्मेदारी होती है कि वो उन तमाम चीजों का जवाब दें सो so ये अटैच डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है फिर आ जाता है सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सेविंग्स आपने पूरे मुल्क में नेशनल सेविंग सेंटर्स देखे होंगे फिर जो परचेज लोग प्राइस बॉन्ड्स खरीदते हैं नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट खरीदते हैं ये तमाम जो डिफरेंट दिफ, किस्म के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स uh, जो हैं ये भी एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो इसको कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर में भी uh, इस तरह के जो हैं uh, होती हैं चीजें लाइक लॉटरीज होती हैं लेकिन गवर्नमेंट का एक ये सोर्स ऑफ इनकम है कि uh, आज वो सेल करती है डिफेंस सर्टिफिकेट या सेविंग सर्टिफिकेट राइट टू सिटीजन्स एंड इट गेट्स द मनी एंड द गवर्नमेंट यूज दैट मनी फॉर इट्स एक्सपेंडिचर पर्पजेज सो सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सेविंग्स रियली टेक्स केयर ऑफ दीज डिफरेंट, इट्स एन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस डिविजन फिर इसके बाद अटोनोमस बॉडीज आ जाती हैं जैसे ये वर्ड शो करता है दे आर ऑटोनोमस बट दे हैव सर्टन दे गेट सर्टन गाइडलाइंस फ्रॉम द फाइनेंस डिविजन राइट सो ये है ऑटोनोमस इन दे टू डे फंक्शन बट दे गेट देयर गाइडलाइंस फ्रॉम द फाइनेंस डिविजन ये कौन सी बॉडीज uh, uh, हैं जो ऑटोनोमस हैं तो इसमें सबसे पहले आती है मोनोपली कंट्रोल अथॉरिटी मोनोपली कंट्रोल अथॉरिटी की जो फंक्शन है वो ये है कि इट सीज इन द इकोनोमी कि कोई इकोनॉमिक यूनिट जो है वो उसकी पूरी मनोपली नहीं होनी चाहिए यानी इट शुड क्रिएट द कंडीशंस ऑफ कंपटीशन बट नॉट मोनोपली सो इट इन्श्योर्स के चंद अदारों की इकोनॉमिक uh, यूनिट्स की मोनोपली ना हो फिर इसके नीचे नेशनलाइज कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं तमाम इंडिपेंडेंट हैं वो दे आर गवर्न बाय प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ द स्टेट बैंक फिर पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन आ जाती है ये अगेन ये ऑटोनमस है जो नोट्स वगैरह प्रिंट करती है सो so ये है कि डिवीजन है अटैच डिपार्टमेंट है और इसके नीचे ऑटोनमस बॉडीज हैं और हमने मिसाल दी आज सिर्फ फाइनेंस डिवीजन की तो अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि कैबिनेट क्या है कैबिनेट में जो प्रेजेंटली हमारा कैबिनेट है द कैबिनेट कंप्राइज ऑफ थर्टी मिनिस्टर्स Uh, and these ministers head different ministries and the, every ministry has its uh, division. And these divisions could be one or more than one division. Now, minister ke foreign baad aata hai federal secretary. A uh, federal secretary ki kya hai? Uh, Federal secretary, Jesse maine kaha ki is a civil servant uh, in most of the cases. Uh, he or she is a civil servant. और फेडरल सेक्रेटरी की जो अहम जिम्मेदारी है वो ये है कि पॉलिसी को वो फॉर्मुलेट करता है uh, मैंने आपको ये बात कही थी कि जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम की वो मिनिस्टर्स देते हैं क्योंकि वो पॉलिटिकल हेड्स हैं और उनको लोगों ने थ्रू वोट इलेक्ट किया हुआ होता है एंड देयर फोर दे नो वट दस्पेरेशन ऑफ पीपल आर so they give the broad policy guidelines uske baraks jo federal secretary hota hai that he or she is a uh, permanent uh, civil servant he is a permanent employee of the government because he is paid out of taxes and he or she would assist the minister in policy formulation it is their responsibility to formulate to write policy proposal because they have the information. So, they write policy proposals and they submit this policy proposal to the Prime Minister. Now, you will we look at that the in this whole process, the federal secretary uh, is the one who is the key link pin uh, in the policy formulation and policy implementation. जितना भी लिखने का काम होता है यानी लिखने पढ़ने का पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी है प्रोग्राम्स ड्राफ्ट करने हैं क्योंकि जो जितनी मिनिस्ट्रीज हैं और उनके जो डिविजन्स हैं वो तमाम जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं वो लिख कर पहले मिनिस्टर से अप्रूव करवाते हैं राइट right? और मिनिस्टर से अप्रूव करवाने के बाद वो कैबिनेट में जाती है न कैबिनेट में आ, बाकी तमाम मिनिस्ट्रीज के जो लोग हैं वो मिनिस्टर्स uh, हैं वो वहां पर बैठे होते हैं ना हर मिनिस्ट्री के जो वहां पर जब एक किसी भी मिनिस्ट्री या डिवीजन से प्रपोजल आता है वो डिस्कस होता है और चूंकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के जो चेयरपर्सन uh, है वो प्राइम मिनिस्टर होता है लिहाजा ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द कैबिनेट एंड इन दिस वे ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर ब्रॉड बिफोर द कैबिनेट एंड द कैबिनेट डिसाइड वेदर दिस प्रपोजल शुड बी सेंड टू द नेशनल असेंबली फॉर अप्रूवल तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट का एक मैंने बड़े ब्रॉड से फ्रेमवर्क में बताया कि दिस इज द मैथर बाय विच दॉलिसीज आर डिवेलप्ड दे आर रिटन डाउन दे आर पुट बिफोर द कैबिनेट एंड वेन वंस द कैबिनेट अप्रूव इट गोज टू देंबली फॉर फाइनल अप्रूवल नाउ टूडे वट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज द फाइनल डिटेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बाई टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री तरीका कार जो काम का है हकूमत में वो बिल्कुल इसी तरह है यानी कैबिनेट के सामने हर मिनिस्ट्री जो है वो अपना प्रपोजल लिखती है और प्रपोजल लिखने वाला जो है वो करियर सिविल सर्वेंट होता है एंड दैट इज हाउ द पॉलिसीज आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्रीज एंड डिफेंस उम्मीद है कि आपको ये uh, चीजें अब काफी वाजा हो, हो गई होंगी अगले लेक्चर में हम एक डिफरेंट टॉपिक शुरू करेंगे लेकिन यहां तक हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को देखा और इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किए टिल नाउ आई से खुदा हाफिज टू यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर खुदा हाफिज